हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ड्रीम्स मैं हूं हुवाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर और यस हियर यू कैन सी द एंटायर टीम फॉर क्लास सिक्स टू एथ आपके सारे फेवरेट टीचर्स यहां पे हैं वी आर कवरिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वी आर मेकिंग श्योर कि आपको सारे सब्जेक्ट्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट सो येस रिमेंबर टूगैदर वी कैन विन नॉट वी कैन विन वी विल विन राइट together we will win and on this note we are going to start and continue with the 8th standard ki gulmohar book जिसमें हमने देखा यहाँ पे सेकेंड चैप्टर सेकेंड यूनिट द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नारायणपुर इंसिडेंट विच इज बेस्ड ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन स्टार्ट किया था हम इस पर एक छोटा सा इंसिडेंट है जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था एंड दिस हैज़ बीन रिटन बाय शशि देश पांडे सो नाव वी आर गोइंग टू वी है एक्सप्लेनेशन तो अब हम इसकी सामभरी देखेंगे फॉलोड बाई क्वेश्चन आंसर्स समरी देखेंगे तो क्या होगा पूरा जो चैप्टर है वो रिकैपिटुलेट हो जाएगा और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो द इंसिडेंट इन द स्टोरी आर सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट दैट गांधी जी इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ अ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल तो ये जो पूरी जो स्टोरी है नारायणपुर ये जो नारायणपुर इंसिडेंट स्टोरी है इसमें जो बैकड्रॉप है मतलब इसका जो बैकग्राउंड है ये क्विट इंडिया मूवमेंट पे बेस्ड uh, है जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था फॉर फ्रीडम द नारायणपुर इंसिडेंट प्रेजेंट्स एन इंट्रीगिंग अकाउंट ऑफ अ टर्बुलेंट सिचुएशन दैट शॉक द पीसफुल टाउन ऑफ नारायणपुर अब इस पूरे इंसिडेंट में जो है एक बहुत ही सेंसिटिव सी सिचुएशन दिखाई गई है जिसमें नारायणपुर के पीसफुल टाउन को जो है बिल्कुल कियोटिक बना दिया था गांधी जी वॉंस द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया ऑन द 8th ऑफ अगस्त 1942 8th ऑफ अगस्त 1942 को गांधी जी जो है ब्रिटिशर्स को वॉर्न करते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो The very next day, गांधी जी एंड सम ऑफ द प्रॉमिनेंट लीडर्स आर पुट इन जेल Next day ही उनको और उनके साथ कुछ और लीडर्स को जो है जेल में डाल दिया जाता है द पीपल ऑफ द कंट्री राइज इन प्रोटेस्ट ऑफिशियली स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ नाइनटीन फोर्टी टू और जैसे ही गांधी जी और प्रोमिनेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है तो उनको जितने भी उनके फॉलोअर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं आंदोलन करने लग जाते हैं एंड दिस इज हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है कब एथ ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी टू बाबू एंड मंजू आर टू स्कूल गोइंग किड्स हु फाइंड देम इन अ स्टिकी सिचुएशन बाबू एंड मंजू जो हैं दो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को एक फिक्स में पाते हैं विद देयर स्कूल्स क्लोज डाउन एंड देयर फादर इन जेल दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन मंजू एंड बाबू वॉच अ प्रोसेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स मार्चिंग इन साइलेंट प्रोटेस्ट टू द कलेक्टर ऑफिस टू हैंड ओवर द नोटिस आस्किंग द कलेक्टर टू लीव द कंट्री अब उनके स्कूल बंद हो चुके हैं उनके फादर को जेल में डाल दिया गया है उनका जो भाई है वो इस प्रोटेस्ट का मोहन जो उनका भाई है वो इस प्रोटेस्ट का पार्ट है तो मंजू एंड बाबू जो है एक प्रोसेशन देखने जाते हैं उस प्रोसेशन में जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज से लेके कलेक्टर के ऑफिस तक एक प्रोसेशन निकालते हैं और उसमें वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उसके जो ऑफिसर होते हैं उनको एक नोटिस देते हैं कलेक्टर को जिसमें लिखा होता है लीव द कंट्री द प्रोसेशन इज ऑर्डरली एंड विदाउट एनी अन टवर्ड इंसिडेंट मतलब इस प्रोसेशन ये बहुत ऑर्डर्ड फॉर्म में है कोई प्रोटेस्ट में कोई शाउट नहीं कर रहा कोई वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहा द स्टूडेंट दिस पर्स आफ्टर शाउटिंग अ फ्यू स्लोग ऑफ पेट्रियोटिज्म तो कुछ जो है मतलब महात्मा जी की जय बोल के वो लोग जो है अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करके वापस चले जाते हैं मतलब उन्होंने किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं किया कोई वायलेंस शो नहीं किया मोहन मंजू एंड बाबूर इज मोहन मंजू एंड बाबूर इज वन ऑफ द स्टूडेंट एंड पीसफुलजेंट फॉर वायलेंट बिहेवियर मोहन जो कि मंजू और बाबू का भाई है वो उनको बताता है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट किया था उसको इसीलिए एकदम नॉन वायलेंट तरीके से किया गया था बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि लोग उनको उठा के जेल में बंद कर दें That night, Suman and a stranger smuggle a cyclostyling machine into the house and keep it in the puja room so as to not arouse suspicion as they work late into the night. उस रात को Suman और एक और stranger जो होता है वो क्या करते हैं एक cyclostyling machine जो कि copy machine होती है जो papers की copy निकालती है उसको वो लोग घर में लेके आते हैं और उसको पूजा room में रख देते हैं ताकि जो है किसी को शक नहीं हो. सुमन मोहन एंड देर मदर सीक्रेटली मेक कॉपी जी फ्रंट रूम एंड मंजू इज रेडी मोहन और उनकी जो मदर हैं अम्मा ये तीनों जो हैं गांधी जी के जो स्पीचेस होते हैं उनकी सीक्रेटली उसकी कॉपी बना रहे होते हैं और बाबू जो है वो मेन डोर के सामने हैं ताकि कोई भी आए तो वो उन्हें वॉर्न कर सके वो मंजू को वॉन कर और मंजू जो है वो बाकी तीनों को वॉर्न कर देगी till the sub-inspector, comes in introducing himself as a friend of their father. He tells them that the British officers suspect them of having a cyclostyling machine and using it to spread messages of patriotism. तभी व पे पाटिल आता है जो एक सब इंस्पेक्टर होता है और वो ये बताता है कि वो उनके पिता का एक दोस्त है फिर वो उन्हें बताता है कि जो ऊपर उसके जो साहेब हैं उन लोगों को सस्पिशन है कि इन लोगों के घर में एक साइक्लो स्टाइलिंग मशीन है जिससे वो पेट्रियोटिज्म के मैसेजेस को कॉपी करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं ही ऑफर्स टू टेक इट अवे टू सेव द्रॉम बींगर हाउस फिर वो बोलता है कि आप वो मशीन मुझे दे दो ताकि आप लोग पकड़े ना जाओ

याद करता है

सो दैट इज़ इट और जब बाबू और मंजू पूछते हैं कि सुमन सेफ है ना सो वो बोलते हैं कि हाँ सुमन सेफ है ये जो चैप्टर है ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि वो जो फेज़ था जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे उस फेज में हर एक इंडियन जो था अपनी तरफ से अपना हंड्रेड परसेंट दे रहा था एंड शायद उसी की वजह से हमको इंडिपेंडेंस मिली थी हर घर में एक तरीके का जो है रिबेलियस मूव uh, था एक रिबेलियस जो था औरा था जहां पे हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता था अंग्रेजों भारत छोड़ो राइट right? अब ये हमारी सामरी खत्म हो गई है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स

ठीक है, नेक्स्ट वर टेकिंग प्रोसेशन जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो वो एक procession ले के जा रहे थे। उन्होंने जैसे वो gates पे पहुंचे तो उन्होंने, जो कलेक्टर था उसको क्या दिया एक नोटिस दिया आफ्टर डिनर सुमन केम इन साइक्लो स्टाइलिंग मशीन जब इन लोग का डिनर हो गया तो सुमन एक आदमी के साथ आई वाज कैरिंग साइक्लो स्टाइलिंग मशीन पाटिल द सब इंस्पेक्टर केम इन टू वॉर्न द फैमिली तभी कौन आया पाटिल आया उसके बाद पाटिल टूक अवे द मशीन फिर पाटिल जो है हाउस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नाउ एक्सप्लेन दीज सेंटेंसेज ब्रीफली स्टेट दिचुएशन इन विच दे से मीन और शो तो यहां पे आपको एक एक सिंगल सिंगल सेंटेंस दिया है हमें उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करके बताना है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है क्या शो करना चाहता है इट्स लाइक अ डेक्लेशन ऑफ वॉर इट्स लाइक अ डेक्लेशन ऑफ वॉर ये किसने कहा था ये मोहन जब बाबू और मंजू से बात कर रहा था तब वो उनको समझा रहा था

सो दिस स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द पीपल ऑफ़ इंडिया टोल्ड द ब्रिटिशर्स ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि जो पीपल थे लोग थे भारतीय लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से क्या कहा दैट देयर वुड बी अ वॉर सून एंड द ब्रिटिशर्स वुड बी डेल्ट विद एज एनिमीज ऑफ द इंडियंस कि अगर वो अभी इंडिया छोड़ के नहीं जाते हैं तो अब बहुत जल्दी एक युद्ध होगा एक वॉर होगा जहां पे ब्रिटिशर्स जो हैं एनिमी की तरह ट्रीट किए जाएंगे और जिनके खिलाफ पूरे इंडियंस एक साथ मिलके लड़ाई करेंगे ओके एंड दिस इज माय कंट्री एज मच एज इट इज योर्स ये किसने कहा था ये कहा था पाटिल ने जो सब इंस्पेक्टर था उसने किससे कहा था मदर से कहा था सो दिस इज स्पोकन बाय पाटिल सब इंस्पेक्टर वेन ही केम टू वॉर्न द फैमिली ऑफ द सर्च टू बी कंडक्टेड बाई द पुलिस तो ये जो सेंटेंस है ये पाटिल ने कहा था जो की एक सब इंस्पेक्टर है ये उसने कहा था जब वो फैमिली को वॉर्न करने आया था कि उसने सुना है कि उनकी फैमिली के ऊपर जो है रेड होने वाली है छापा पड़ने वाला है

अब मोहन को अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि जब सेकेंड टाइम पाटिल के जाने के बाद जब फिर से दरवाजा खटखटाया गया तब कौन आया था पुलिस आई थी दिस हैपन्स आफ्टर पाटिल अ फैमिली फ्रेंड हेडकम एंड वॉन मोहन फैमिली अबाउट द सर्च टू बी कंडक्टेड बाई द पुलिस ये कब हुआ जब पाटिल जो कि एक फैमिली फ्रेंड था वो आया था उसने मोहन की फैमिली को वॉन किया अबाउट द सर्च टू बी कंडक्टेड बाई द पुलिस की पुलिस जो है तुम्हारे इधर छापा मारने वाली है तुम्हारे इधर पे सर्च करने वाली है सर्च को कंडक्ट किया जाता है Now, when the पुलिस एक्चुअली केम the फैमिली was मेंटली prepared. व्हाट was गोइंग टू हैपन नेक्स्ट अब जब वाकई वो जो फैमिली थी वो वाकई आई मतलब सॉरी जब पुलिस जो है एक्चुअली आई तो फैमिली को पता था अब कौन आने वाला है बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू कि अब उनके घर में जो है एक सर्च होने वाली है पुलिस सर्च करने वाली है तो दे व मेंटली प्रिपेयर्ड ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू दैम क्या उनके साथ होने वाला है इसके लिए वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड थे ऑल राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रिशिएटिंग द टेक्सट में हमारे पास क्या है यहाँ पे पेट्रियाजम इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव डिवोशन एंड सपोर्ट फॉर ये ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम ए मूवमेंट मैनी इंडियंस विस्ट देयर लाइव एंड देयर पर्सनल फ्रीडम टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश पेट्रियटिज्म क्या होता है देशभक्ति क्या होती है आप अपनी कंट्री के लिए अपना लव अपना डिवोशन अपना सपोर्ट शो करते हो अपने नेशन के लिए इसी को पेट्रियोटिज्म कहते हैं हमें सबको पता है पेट्रियाटिज्म क्या होती है देशभक्ति क्या होती है इंडियन फ्रीडम जब इंडियन फ्रीडम का जो पूरा एक्ट चल रहा था तब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था तो बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोग थे जो जेल में चले गए जिन लोगों को काले पानी की सज़ा हो गई एंड वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज नाउ हाउ हेज़ द राइटर एक्सप्रेस द पेट्रियाटिज़म ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट अब आप इसमें देखोगे हर कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो कितना पेट्रियोटिक है कुछ लाइन्स हैं इस चैप्टर में जो बताती है कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा देशभक्ति है तो हमें जो है इनके पेट्रियाटिक बिहेवियर के लिए वो लाइन्स बतानी हैं सो so, जैसे यहाँ कौन कौन दिया है हमको मोहन मदो मंजू बाबू सुमन एंड पाटिल सो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स हैं

अब हमने उसको कैसे देखा है वी सी हिम लीडिंग द साइलेंट मार्च जो उन्होंने कॉलेज से कलेक्टर के ऑफिस तक जो साइलेंट मार्च किया उसमें वो उसको लीड कर रहा था एंड ही गेव अ लेटर टू द ब्रिटिश डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट देम नेक्स्ट इज मदर जो बेटा है वो प्रोटेस्ट में जा रहा है उनके जो हसबेंड थे उनको ब्रिटिश ऑलरेडी जेल में डाल चुकी थी शी वॉज रिस्किंग द लाइफ ऑफ ऑल हर फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हर्स ये कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन वॉट एवर वे शी कैन उसके बाद भी जिस भी तरीके से पॉसिबल है वो उस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती हैं हर एक्शन शो हर लव एंड सपोर्ट फॉर द नेशन और इनके जो सारे एक्शन हैं ये क्या शो करते हैं लव एंड सपोर्ट फॉर द नेशन नेक्स्ट है मंजू यंग लिटिल गर्ल हु इज विलिंग टू डू वॉट एवर हर मदर एंड ब्रदर्स टेल हर टू डू हमने इस स्टोरी में देखा ये मंजू जो है एक छोटी सी बच्ची है जब उसको बोला जाता है कि तुम जाके सो जाओ वो डिसअपॉइंट हो जाती है लेकिन जब उससे कहा जाता है ठीक है जब बाबू मैसेज देगा वो मैसेज तुम हम तक पहुंचाना तो शी इज़ अलर्ट दो शी इज़ स्लीपी बट शी इज़ अलर्ट तो वो जो है हर कुछ करने को तैयार है जो उसकी मदर और उसके ब्रदर्स उसको करने को कहेंगे शी इज़ विलिंग टू हेल्प हर फैमिली इन वॉट एवर वे शी कैन वो अपनी फैमिली को हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है एंड दैट शोज़ हर पेट्रियाटिज़म अब आता है नेक्स्ट बाबू अ यंग बॉय हु इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी हिज एल्डर ब्रदर टेक एन एक्टिव रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फैमिली इन एनी वे ही कैन बाबू जो है वो भी एक यंग बॉय है जो बहुत एक्साइटेड है ये देख के कि उसका जो भाई है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प हिज फैमिली इन एनी वे ही कैन उसे पता है कि उसकी जो फैमिली है वो इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है इन अदर वे और वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है उनको हेल्प करने में उनको सपोर्ट करने में नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुमन अ यंग गर्ल हु इज़ एक्टिव इन द फ्रीडम स्ट्रगल अलोंग विथ मोहन सुमन जो है वो एक यंग गर्ल है जो कि मोहन के साथ इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रही है टेकिंग अ रिस्क अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हेल्पिंग मोहन टू साइक्लो स्टाइल महात्मा गांधी स्पीच टू रीच इट टू द पब्लिक अब वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा सो so, वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है जिसमें वो मोहन की हेल्प कर रही है साइक्लो स्टाइलिंग मशीन से आ, जो महात्मा गांधी की स्पीच की कॉपीज निकालने के लिए सो so दैट ये जो गांधी जी की स्पीच है ये पब्लिक तक पहुंचाई जा सके एंड नेक्स्ट इज पाटिल अ सब इंस्पेक्टर इन द ब्रिटिश पुलिस बट अ गुड फ्रेंड ऑफ मोहन फादर कौन है पाटिल पाटिल एक सब इंस्पेक्टर है जो कि ब्रिटिश पुलिस में काम करता है लेकिन वो मोहन के फादर का एक बहुत अच्छा दोस्त है हेल्प द फैमिली बाई वॉर्निंग देम अबाउट द सर्च दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस वो फैमिली को हेल्प करता है कैसे वो आगे उन्हें वार्न करता है कि आपके घर में एक सर्च होने वाली है जो ब्रिटिश पुलिस जो है वो सर्च करने वाली है तो वो पहले से उनको बता देता है उस बारे में ही ऑल्सो हेल्प देम टू हाइड द साइक्लो स्टाइलिंग मशीन एंड सेवस द इंटायर फैमिली फ्रॉम द ब्रिटिश पुलिस वो उनसे जो साइक्लो स्टाइलिंग मशीन ले उसको छुपा देता है और उन सबको ब्रिटिश पुलिस से सेव कर देता है तो इन अ वे ही ऑल्सो प्लेज अ पेट्रियोटिक रोल इन द इन द स्टोरी नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्मा मोहन बाबू एंड मंजू वर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क इन टेकिंग पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट मतलब सब जो है भले एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे थे लेकिन अपनी तरफ से वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे गिव एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द राइटर क्रिएट्स अंस ऑफ डेंजर एंड टेंशन इन द स्टोरी टू शो अस इज वॉट इज एट स्टेक इस स्टोरी में राइटर ने एक पूरा और क्रिएट किया है जहाँ वो बता रहा है कितना खतरा है कितना डेंजर है और उनकी जो जान है वो खतरे में है तो कैसे उसने ये पूरा एटमोसफेयर क्रिएट किया है हमें उसके दो एग्जाम्पल्स देने हैं अम्मा मोहन बाबू एंड मंजू वर टेकिंग अ अव्यूज रिस्क इन टेकिंग पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट अम्मा मोहन बाबू और मंजू ये सब एक बहुत बड़ा रिस्क लेते थे इस फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके The very first time when Mohan takes part in the procession, when the Quit India movement began and Babu took Manju to see the procession, it was risky as anything could have happened. तो अब इसमें जो पहला risk लिया था वो क्या था जब Babu Manju को लेके Mohan का procession देखने के लिए गया था जो पूरा जो वो लोग movement कर रहे थे तो वो अपने आप में बहुत risky था उसके साथ कुछ भी हो सकता था. So that was the first risk that was shared in the story.

तो यहां पे ये भी एक टेंस मोमेंट था इट इज अ दैट दे गॉट लकी स्टाइलिंग मशीन और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो उन्होंने लिया था ये एक टेंस मोमेंट था लेकिन फॉर्चुनेटली पाटिल आ गया और पाटिल ने उस साइक्लो स्टाइलिंग मशीन को एक सेफ जगह छुपा दिया वरना पूरी फैमिली को ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट कर लेती राइट थर्ड क्वेश्चन Love for the country is possible only when we feel like we belong to a community. आप हर जिस चीज़ के लिए लव फील नहीं करते मैं इंडियन हूँ मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि मेरी कंट्री है मैं मुझे एक फीलिंग है दैट येस आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी रिलेशनशिप्स दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर लाइक फैमिली एंड फ्रेंडशिप आर आल्सो व्हाट ब्रिंग पीपल टुगेदर एज अ नेशन जब जो हम फैमिलीज़ हैं एक छोटी फैमिली है छोटी फैमिली बन एक सोसाइटी बनती है सोसाइटी बन एक स्टेट बनता है कंट्री बनती है तो यहाँ पे जो है इसी से जो है लोग क्लोज आते हैं हाउ डज द राइटर मेक दिस पॉइंट इन द टेक्स्ट अंडरलाइन द सेंटेंसेस दैट शो यू द इम्पॉर्टेंट रोल फैमिली फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट प्ले इन दिस फाइट फॉर द कंट्री अब हमें बताना है इस चैप्टर में कि राइटर ने कैसे बताया है कि कैसे लोग इकट्ठा आके जो है अपने नेशन के लिए लड़ते हैं और दूसरी चीज़ ये बतानी है कि वो कौन सी लाइन्स हैं जो ये बताती हैं कि फैमिली फ्रेंड्स और जो ट्रस्ट है वो इस फाइट फॉर द कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो लेट्स सी द आंसर। फैमिली फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फाइट फॉर वन कंट्री क्योंकि सिंपल सी बात है आप मैं और uh, मेरे कैमरा मैन भईया जो है हम तीनों मिलकर जो एक लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं किसी के अगेंस्ट लेकिन अगर हम एक तीनों एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते तो हमें नहीं पता होगा कि तुम मुझ पे अटैक करने वाले हो या जिसपे हम जा रहे हैं अटैक करने उस पर अटैक करने वाले हो हमने मूवीज में देखा है ना कि हम किसी के साथ जाते हैं फाइनली वो हम पे अटैक कर देता है तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो सो दैट इज़ वाई दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल ंग फ्रीडम फाइटर टेकिंग हिज फादर फाइट फॉरवर्ड हमने देखा कि यहाँ पे मोहन जो है यंग फ्रीडम फाइटर है जिसके फादर ने फ्रीडम के लिए फाइट किया उनको जेल में डाल दिया लेकिन मोहन उस फाइट को आगे लेके जा रहा है अम्मा बाबू एंड मंजू स्टैंडिंग बाय मोहन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अम्मा बाबू और मंजू ये तीनों जो है मोहन के साथ खड़े हुए हैं इस फाइट में उसको सपोर्ट करने के लिए पाटिलर फैमिली एंड सेव दे ब्रिटिश पुलिस और पाटिल जो है वो क्योंकि उनके फादर का फ्रेंड होता है वो भी सामने आता है और उन सबको हेल्प करता है बाई से ब्रिटिश पुलिस राइट And here we are done with all the question answers. So, guys, this chapter is very easy.

आई एम जस्ट गोइंट टू टेल यू दै इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब टू ट्राई टू फाइंड द वीडियोज आप ईजिल मैग्नेट ग्रीन डॉट कॉम टाइप करोगे ये आपके पास जो है होम पेज आ जाएगा जिसमें आपको सिर्फ क्लास सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जैसे आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोज आ जाएंगे नाउ इफ यू विश टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर द सेकेंड चैप्टर एनी थिंग आपको बस उस पर क्लिक करना है एंड योर वीडियो विल स्टार्ट सो दैट्स इट थैंक यू सो मच वंस अगेन इफ यू फाउंड दिस Easy. If you found this uh, helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. Take care of yourself. Bye bye.